हाय फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, और आज के वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस एक्सप्लेन्ड, व्हाई पाकिस्तान है जीरो मनी। अभी एंड न्यू की वीडियो है ये, बहुत फैक्चुअल और बहुत अच्छी वीडियोज बनाते हैं। सो इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके ओरिजिनल चैनल को भी सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज भी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो चलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं, वीडियो देखने के बाद बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। आटा खरीदने के लिए ट्रक्स के पीछे भाग रहे हैं। पाकिस्तान हैज नो मनी फॉर इम्पोर्ट्स। पाकिस्तान'स डिसेंट इनटू टोटल केओस। थिंग्स आर बैड व्हेन पीपल स्टार्ट फाइटिंग फॉर फूड। फूड डिपार्टमेंट हैड रन आउट ऑफ इट्स व्हीट स्टॉक। द परफेक्ट स्टॉर्म वाज हवरिंग ओवर पाकिस्तान। पाकिस्तान का खाना खत्म हो रहा है। पाकिस्तान पिछले 50 सालों के वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पूरे देश के पास सिर्फ अगले 3 हफ्तों के इम्पोर्ट्स का पैसा है, और उसके बाद दी एंड। पाकिस्तान पिछले 75 ईयर से भिखारी की तरह पेश आ रहा है। ऐसा हम नहीं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं। क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है? पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हुई कैसे, और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? ये है हमारी नई सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन्ड, और ये है वीडियो नंबर 1। आप आगे के सारे वीडियोस इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज इसे एंड तक देखिए, और अगर आपको इससे वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, ये वीडियो होते काफी छोटे हैं, लेकिन इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, Why is Pakistan begging for help? Point by point मुद्दे को समझते हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो दो प्यालियां कम कर दें। जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। आपने कुछ महीनों पहले ये वीडियो देखा होगा जहां पाकिस्तान के मिनिस्टर लोगों को चाय कम पीने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाय इंपोर्ट करता है, और आज उनके पास चाय के इंपोर्ट चुकाने के लिए भी पैसे नहीं है। पाकिस्तान में एसेंशियल चीजों के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन जो यूजली 4-6% रहता है, कई जगहों पर 30% तक पहुंच गया है। यानी जो चीजें पिछले साल 100 रुपए के लिए मिलती थी, आज वही सेम चीजें खरीदने के लिए 130 रुपए लगेंगे। अनियंस जैसी कॉमन चीजें आज 5 गुना महंगी है। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स को ये इंस्ट्रक्शन है कि 8:30 के पहले सारी बत्तियां बुझा देनी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो रही है। पाकिस्तान की एम्बेसी की वॉशिंगटन में एक प्रॉपर्टी है जो अब जाकर पाकिस्तान बेचना चाहता है, ताकि थोड़े से पैसे आए जिसका इस्तेमाल लोगों के लिए हो सके। इन शॉर्ट, पाकिस्तान पाई पाई जोड़कर पैसा बचा रहा है। एज अ रिजल्ट, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन से मदद मांग रहे हैं। लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, शुरुआत से समझते हैं। चैप्टर 2, रीजंस फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान बैक टू बैक डिजास्टर्स का सामना कर रहा है, पॉलिटिकल डिजास्टर्स, इकोनॉमिक डिजास्टर्स और क्लाइमेट डिजास्टर्स भी। वन बाय वन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री फुल गेम ऑफ थ्रोन्स है, जो इतनी इंटरेस्टिंग है दैट इट डिजर्व्स अ वीडियो ऑफ इट्स ओन, बट आज के वीडियो में हाईलाइट समझते हैं। पाकिस्तान को आजादी हमारे साथ 1947 में मिली, लेकिन उनका पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन 1970 में हुआ, आजादी के 23 साल बाद। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने 29 प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, और इनमें से एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पूरी टर्म, दैट इज 5 ईयर्स, कंप्लीट नहीं किए हैं। 18 बार उनके प्राइम मिनिस्टर्स को अपने पोस्ट से निकाला गया, इधर करप्शन की वजह से या फिर एक मिलिट्री कूप की वजह से। अभी रिसेंटली पिछले साल इमरान खान को अपने पोजीशन को टाटा कहना पड़ा। इमरान खान एक वर्ल्ड कप जीतने वाले नेशनल हीरो थे, जो एक नया पाकिस्तान बनाने की उम्मीद के साथ आए थे, लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि शहबाज शरीफ ने 7 अलग अलग पार्टीज के साथ मिलकर उनके अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया और उनकी सरकार गिरा दी। शहबाज शरीफ का निकनेम है पंजाब स्टीम, क्योंकि वो 4 बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और उन्होंने पंजाब में एफिशिएंटली काम किया है। लोगों को उम्मीद है कि शहबाज शरीफ एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। ये नए पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है वो नए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि जब सरकार बदलती है तो फाइनेंशियल पॉलिसी भी बदलती है। पिछले सरकार की नाकामी प्रूव करने के लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट डिसीजंस लिए जाते हैं, जो इकोनॉमिक डिजास्टर्स एनकरेज करते हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक डिजास्टर्स पे। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की इकोनॉमी साल दर साल गिरती चली जा रही है, और उनका कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है। वर्ल्ड बैंक कहती है कि इस साल भी उनकी इकोनॉमी 2% से बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन 23% से। उनके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स $30 बिलियन हैं और इम्पोर्ट्स $90 बिलियन के आसपास। यानी हर साल ऑन एवरेज $30 बिलियन पाकिस्तान कमाता है और $90 बिलियन स्पेंड करता है। इस बड़े गैप की वजह से फॉरेक्स रिजर्व्स तेजी से घट रहे हैं। पाकिस्तान का GDP है $376 बिलियन का, और उन पर कर्जा है
274 बिलियन US डॉलर्स का। ये लोन किसी के पापा ने दिया हुआ तो है नहीं, लोन पर बढ़ता है इंटरेस्ट, और पाकिस्तान के हर साल के बजट का 1/3 हिस्सा इन्हीं लोन रीपेमेंट्स के लिए जाता है। यानी पाकिस्तान एक डेट ट्रैप में अटक चुका है, जिससे निकलने का एक ही जरिया है कि और कर्जा लो। अब आने वाले 3 महीनों में कुछ 8 बिलियन का कर्जा चुकाना है और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में सिर्फ 5.8 बिलियन यूएस डॉलर्स बचे हैं। सरकार जानती है कि खाने के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई स्कीम निकालकर लोगों को सस्ता राशन देने के लिए भी तो पैसे लगते हैं, वो कहां से आएंगे? बार बार बदलती सरकार की वजह से ग्लोबली पाकिस्तान की इमेज खराब हो चुकी है। थर्ड पॉइंट है क्लाइमेट डिजास्टर, जो काफी ट्रेजिक। पिछले साल पाकिस्तान के कई एरियाज में बाढ़ आई और नुकसान 30 बिलियन डॉलर्स का हुआ। ये एक ऑलरेडी स्ट्रगलिंग देश के लिए काफी बड़ी अमाउंट। पाकिस्तान ग्लोबल एमिशंस में 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन फिर भी उन्हें इतना बड़ा झटका पड़ा फ्रॉम दिस हैवी रेनफॉल। पाकिस्तान एक परफेक्ट स्टॉर्म सिचुएशन में है। 3 अलग-अलग डायरेक्शन से आने वाले इन प्रॉब्लम्स की वजह से पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। प्लस पाकिस्तान को तालिबान से भी खतरा है। पाकिस्तान 4 अलग-अलग हिस्सों में बट सकता है। पाकिस्तान का अपनी जनता के ऊपर से कंट्रोल छूट सकता है। ये सारी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो हम हमारे इस सीरीज में कवर जरूर करेंगे। चैप्टर 3, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। सी, द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान इज फार फ्रॉम ओवर। आज पाकिस्तान प्रॉब्लम में जरूर है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारे ऐसे देश है जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जो पाकिस्तान के लोगों की भलाई चाहते हैं। अलग अलग देशों और वर्ल्ड इंस्टीट्यूट्स ने मिलाकर पाकिस्तान को 10 बिलियन डॉलर्स डोनेट किया। ये कोई लोन नहीं, मदद और एक होप है कि ये पैसे करप्शन या मिलिट्री एक्टिविटी में नहीं, फ्लड रिलीफ और रिहैबिलिटेशन में यूज होंगे। अभी अभी वॉशिंगटन से खबर आई है कि अमेरिका भी पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करने में मदद करेगा, और आपको तो पता ही है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं होता। अब POK में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड के लोग कह रहे हैं कि उन्हें भारत का हिस्सा बनना है। ये हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए एक साइन है, और समझदार को इशारा काफी है डिप्लोमेटिकली चीजें हैंडल करने के लिए। ट्रेड वाइज भारत और पाकिस्तान में ज्यादा ट्रेड होता नहीं है, दैट्स व्हाई इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट नेग्लिजिबल है। हैविंग सेड दैट, अपने पड़ोस में एक अनस्टेबल देश होना किसी भी देश के फायदे में नहीं होता, और अब श्रीलंका और पाकिस्तान दो नेबर्स एक इकोनॉमिक क्राइसिस से एक साथ गुजर रहे हैं। यहां इस इमेज को गौर से देखें, चाइना ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। चाइना की डेट ट्रैप स्ट्रेटजी के बारे में हमने बार बार वार्न किया है कि कैसे चाइना मदद का गाजर दिखाकर पूरे देश पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है। इस सिचुएशन में अगर पाकिस्तान को टाइम पर IMF से मदद नहीं मिली, तो चाइना हीरो के जैसे आएगा और पाकिस्तान की मदद करेगा, और बदले में ऐसे फेवर्स मांगेगा जिससे अल्टीमेटली भारत का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान एक काफी इंटरेस्टिंग पायदान है, और इस सिचुएशन में पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला, हमारे नेबर्स के बारे में कुछ समझा, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। पाकिस्तान 2023 में जियोपॉलिटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और आने वाले कुछ ही दिनों में हम भारत पाकिस्तान के रिलेशंस, हिस्ट्री और फ्यूचर के बारे में काफी वीडियोस लाने वाले हैं। बिकॉज एज वी ऑलवेज से इन जियोपॉलिटिक्स, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, देयर आर ओनली टेम्पररी इंटरेस्ट। और यही इंटरेस्टिंग बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। Hey दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अब ऐसे और कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में बताइए। डिड यू नो कि USA और पाकिस्तान की एक अलग ही लव स्टोरी चल रही है, उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 6 महीने पहले पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी ये हमने इस वीडियो में समझा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो ही खत्म, और स्टार्टिंग से जब से ये वीडियो स्टार्ट हुई थी, उन्होंने जैसे स्टार्ट किया है कि तीन तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ये तो सबको पता है कि मतलब वहां पे आज तक कोई भी, मतलब जो भी उनका जो डेमोक्रेटिक टर्म होता है 5 साल का, कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर लाइक 75 साल के इतिहास में, जैसे हमें 75 साल हो गए 75 ईयर इंडिपेंडेंस हम मना रहे हैं, वैसे उनके भी 75 साल में आज तक कोई भी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है जो पूरे अपने 5 साल टर्म्स पूरा किए, और इंडिया में लगभग मैक्स लोग पूरा किए हैं। तो ये चीज देखिए, फर्स्ट चीज तो इनके साथ ये, दूसरी दिक्कत इनके साथ ये आ रही है कि इनके वहां मतलब जो ये मिलिट्री वाली की जो मिलिट्री हर चीज में इन्वॉल्व है, फॉरेन रिलेशन है मिलिट्री भाई, लाइक एवरी डिपार्टमेंट, नो मैटर मिलिट्री है या डिफेंस है या मिनिस्ट्री है, दे हैव देयर पर्टिकुलर वर्क, सब अपना काम करेंगे तभी कंट्री चलेगा। अगर ओवरलैपिंग होगी तो फिर कंट्री नहीं चलेगी। और एक चीज, अगर जो फौज होती है, जो डिफेंस होता है, उसका क्या, टू बाउंड द गन, टू बाउंड द
जो बाउंड्रीज होती हैं, टू गार्ड द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, तो उनका काम वो है रादर देन बीइंग इन्वॉल्व इन द फॉरेन रिलेशन, रादर देन फिक्सिंग द फॉरेन डोमेन ऑफ ए कंट्री, दे शुड फोकस इंटायरली ऑन द डिफेंस ऑफ ए कंट्री, बिकॉज सबका रोल डिसाइडेड है, हर किसी का रोल कुछ ना कुछ है. एक आदमी अगर सब काम करेगा तो यही होगा जो हो रहा है. और दूसरी बात ये होती है कि तीसरी बात मतलब उसमें बहुत ज्यादा एक चीज में इग्नोर किया, रेडिकलिज्म. रेडिकलिज्म बहुत बढ़ रहा है पाकिस्तान में, लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है तरह तरह की. एक बार पता नहीं आपको याद है कि नहीं, बहुत पहले की बात, आई थिंक बहुत पहले 5-6 महीने की बात है, जब पाकिस्तान में टमाटरों की बहुत कमी हुई थी, बहुत ज्यादा, तो उस टाइम ईरान से टमाटर आए थे बहुत ज्यादा, पाकिस्तान इम्पोर्ट किया था, तो लोग टमाटर कुचल रहे थे कि वो शिया सुन्नी है, कि हम ऐसा नहीं, मतलब इस वजह से सोचिए किस हद तक उनके माइंड में, मतलब उनको टमाटर मिल नहीं रहा है या वो कुचले जा रहे हैं, वहां महंगे टमाटर खरीद रहे हैं, इस हद तक उनका ब्रेन, भूखे मर जाएंगे. पर ये सब ब्रेन वॉश किस कैसे उनको सिखाया था, अभी भी उनकी आंखें नहीं खुल रही, अभी तो बहुत दिक्कत है. पिछली बार बाढ़ आ गया कुछ दिन पहले, जो था बच्चा कुछ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे कुछ था नहीं, जो बच्चा जो था उड़ गया, और जो है भी एयरपोर्ट वगैरह सब मॉर्टगेज पे, सब गिरवी है. पाकिस्तान एयरलाइंस भी इस टर्म्स पे, मतलब मान लो गिरवी है, मतलब कुछ भी ढंग से नहीं चल रहा है. पर क्या होता है, मैं बोलती हूँ कई साल से हम कहते हैं पाकिस्तान गिरने वाला गिरने, पर जैसे ही वैसे गिरने वाला होता ना तो यूएसए हाथ थाम लेता, आ जाओ हम तुम्हें देते. फिर पाकिस्तान यहाँ जाता है सुखी को यहाँ लेकर आता है, हमेशा ऐसे करता है. और यूएसए हमेशा ही ऐसा, यूएसए क्या सारे वेस्टर्न नेशन हमेशा ऐसे करते रहेंगे, क्योंकि वो इंडिया को भी स्ट्रांग नहीं बनना चाहते, बनने देते, क्योंकि पाकिस्तान हमें रोक के रखा और वो चाहते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान से हमारे अच्छे रिलेशन बन गए या पाकिस्तान वाले न्यूट्रल भी हो गया, तब भी हम बहुत अच्छा कर लेंगे. हमें जितना खर्च करना पड़ता है, जितनी टेंशन होती है उसकी वजह, जितना टेररिज्म हम फेस करते हैं, आज से नहीं कई सालों से फेस करते आ रहे हैं, तो अगर और पाकिस्तान की वजह से हमें और भी दिक्कत आती है. तो इतना गरीब हो चुका है, उसके पास पैसे नहीं है, चाइना को अपनी जमीनें बेचे जा रहा है, चाइना इसको डेट ट्रैप में फंसाएगा, जमीनें लेगा पाकिस्तान इधर से, मतलब हमारे वेस्ट साइड में चाइना इधर के ऊपर के साइड कब्जा करेगा, फिर कब्जा करने के लिए पूरा बॉर्डर से घेर लेंगे इंडिया को. चाइना नेपाल को भी मतलब वही करने की कोशिश में है कि नेपाल को भी पटाया जाए, भूटान को भी, तो सबको वो श्रीलंका को तो उसने डेट ट्रैप में फंसा ही रखा है. तो पूरा इंडिया को एक गोल गोल राउंड. और इसीलिए कहा गया कि अगर एक अनस्टेबल नेशन हो ना, जिस नेशन का खुद की सॉवरेंटी नहीं है, खुद का अपना कुछ डिसीजन नहीं ले सकता, खुद की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं है. अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि मैं कोई आपको रिक्वेस्टेड वीडियो पर रिएक्ट करूं, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं. और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.